नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस नर्सरी के साथ। और आज का वीडियो दोस्तों किसी प्लांट के ऊपर नहीं है। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी आप नर्सरी जाते हो, वहाँ से आप कोई भी प्लांट परचेज़ करके लाते हो, चाहे वो सीजनल है, चाहे वो पेरिनियल है, मतलब हमेशा रहने वाला एवरग्रीन प्लांट है, तो किसी भी तरीके का प्लांट हो, तो जब भी आप घर में आके उसको लगाते हो, रिपोर्ट करते हो, तो आपने क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस तरीके से उस नर्सरी से लाए हुए प्लांट को आपने लगाना है। चाहे आपके इंडोर की वैरायटी हो, चाहे आपकी अब जो विंटर में आप लेने जा रहे हो वो हो, या एवरग्रीन प्लांट जो भी हम लगाते हैं, तो एक बार अगर हम सावधानी के साथ प्लांट को लगा देते हैं तो यकीन मानिए आपका प्लांट मरेगा भी नहीं, और दूसरा बहुत अच्छे से रीग्रो भी करेगा, और तीसरा दोस्तों जो भी एक शॉकिंग सी कंडीशन में प्लांट आ जाता है नर्सरी से लाने के बाद हमारे घर में, क्योंकि उसका माहौल, उसका एनवायरनमेंट, उसका सारा का सारा जो भी रख रखाव का तरीका उन लोगों ने रखा होगा बिल्कुल चेंज हो जाता है हमारे घर में आके, है ना। तो उसको बोलते हैं शॉक प्रूफ करना, तो वो भी कम से कम हो कि इतनी ज़्यादा शॉकिंग कंडीशन में ना आए कि हमारा प्लांट मरने पे आ जाए। तो बिल्कुल नर्सरी का ओवरव्यू दिखाते हुए मैं आपको प्लांट एक लगा के भी दिखाऊंगी, ताकि आपको पता लगे कि किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करते वक्त आपने क्या क्या सावधानी रखनी है। तो जैसा कि अब आजकल मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं दोस्तों कि नर्सरी से मैम हम प्लांट ला रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं बहुत सारे लोग, पिक्स या फ़ोटो भी भेज देते हैं कि मैं लाई थी ये प्लांट, ये मेरा मर गया तो मैं क्या करूं। तो बिल्कुल आज फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं आपके साथ ना एक ऐसा वीडियो शेयर करूं, ताकि आप घर में जब भी लाते हैं ना प्लांट को, आप उसको बहुत अच्छे से लगाएं। तो ये देखिए कितने सुंदर सुंदर प्लांट लग रहे हैं ना नर्सरी में, ये पोइनसेटिया वगैरह के, लेकिन इन पे सब पे वीडियोज़ बनी हुई हैं, वो आप देख लेना। लेकिन आज मैं आपको तरीका बताऊंगी, क्योंकि मैंने एक बार दोस्तों वीडियो शायद बनाया था रिपोर्ट करने का कि आपने कैसे पोटिंग मिक्स तैयार करनी है, तो एक बार वो भी आप देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको ना सोयल पूरी भर के दिखाई थी एक नए के नए गमले में, कि कैसे ड्रेनेज होल को आपने बंद करना है, कि और क्या क्या आपने बेस में उसके डालना है, और ऊपर से आपने उसकी सोयल कैसे बनानी है, कैसे प्लांट को रखना है उसमें। तो वो सारा का सारा वीडियो बहुत अच्छा है, मैंने बड़े दिल से बनाया था वो, इसलिए आपको कह रही हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, आपकी वेस्ट मैनेजमेंट भी हो, जो भी हमारे घर में सूखे पत्ते किचन का वेस्ट होता है ये भी आप मैनेज कर पाएँ अपना प्लांट लगाते वक्त, और थोड़ा सा अगर आप गौर करके उस प्लांट को लगाते हो, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे आने वाले वीडियो में, देखते रहो। तो बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक बार अगर वो वीडियो आपको मिल जाती है रिपोर्टिंग वाली तो एक बार वो आप ज़रूर देख लेना। तो बस ये नर्सरी में आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर प्लांट आए हुए हैं आजकल, है ना, और इतने सुंदर प्लांट दोस्तों अगर हम घर में लाते हैं, है ना, वहाँ से खुश होके, है ना, एक क्रेज़ सा होता है नर्सरी में जाके कि ये प्लांट हमारे घर में होना चाहिए, है ना। जैसा कि मेरा मन भी ऐसे ही होता है, शायद आपका भी ऐसा ही होता होगा कि इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर इंडोर प्लांट हैं, ये हम जाके अपने घर में लगाएंगे कितने अच्छे लगेंगे। और अगर वो प्लांट अच्छा ना चले तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि अगर आप इस तरीके से प्लांट लगाओगे तो आपका मरेगा नहीं, और बहुत जल्दी से आपके घर में सेट हो जाएगा वो। तो आजकल तो गुलाब की बहुत वैरायटी आई हुई है ना नर्सरी वगैरह में, हर तरह के रंग के गुलाब आए हुए हैं, तो सबसे पहली पसंद वैसे लोगों की गुलाब ही होती है, या फिर जिसके घर में धूप कम आए वो इंडोर की वैरायटी लेता है कि अपने विंडो वगैरह में रख लूँ, या बाहर ज़्यादा जगह नहीं होती तो विंडो वगैरह में रख के, या इनसाइड रख के स्टेयर्स वगैरह में भी। तो पहले तो आप नर्सरी का ही मज़ा ले लो कि किस किस तरह के प्लांट हैं यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों जो भी इस तरह की वीडियोस होती है ना, जिस भी इंटरेस्ट के साथ जो आदमी देखता है वो उसको दिखे तो बड़ा अच्छा लगता है ना। तो ये आप देखो
क्या क्या है इस नर्सरी में, फिर मैं आपको घर चल के एक प्लांट रिपोर्ट करके दिखाऊंगी। और ये तरीका दोस्तों जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये आपका कोई भी प्लांट हो, किसी भी तरह का पौधा हो, इससे क्या होगा कि आपकी जो गमले में मिट्टी पहले से ही है, कई बार होता ना हमारे घर में गमले पहले से ही तैयार होते हैं लेकिन उनमें प्लांट नहीं होता, या हमने सीजनल लगाए होते हैं वो अब हटा दिए होते हैं, है ना। जैसे मैंने पर्सलेन पोर्चुल का या गर्मी के हमने कोई भी वैरायटी लगा रखी हो वो हटा रखी हो। तो दोस्तों इस तरह से जैसे आपके गमले की मिट्टी है, तो अगर काफ़ी टाइम से अगर आप उसको रखे रखते हो ना, तो उसमें फंगस आने की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह के अगर आपके पास खड़े मसाले हैं, जैसे दालचीनी होगी और बड़ी काली मिर्च होगी, लौंग होगी, इलायची होगी, अगर ये सब डाल के आप अपना प्लांट लगाते हो, तो जो भी आपकी फंगस होगी सोयल में पहले से काफ़ी टाइम से अगर गमला रखा हुआ है, तो वो दूर भी हो जाएगी। और दूसरा, आपके प्लांट को बहुत अच्छी खुराक भी मिलेगी, क्योंकि काली मिर्च वगैरह में ना बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है, जो कि प्लांट्स को बढ़ने के लिए और ताकत देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये दाने कुछ मैं दिखा रही हूँ आपको DAP के और जाइम के, तो अगर ये डाल के भी आप लगाते हो, तो जो रूट सिस्टम है ना आपके प्लांट का, जो भी आप नर्सरी से लाए हो, वो बहुत अच्छे से इस नए गमले में जल्दी जल्दी से अपने आप को रिकवर भी करेगा, ज़्यादा फैलेगा भी, और दूसरा आपके प्लांट को भी बहुत अच्छी खुराक मिलेगी, बजाय कि नर्सरी के, जैसे हम नर्सरी में फूल देख के ले आते हैं, तो उसी तरह के माहौल में आपके घर पे भी ये प्लांट चलेंगे। और अगर आपके पास दोस्तों तीसरी चीज़ अगर एप्सम सॉल्ट है, फ़िलहाल अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी दिखाती, अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट भी है तो भी आप थोड़ा सा वो डाल के अगर प्लांट लगाते हैं तो शॉक प्रूफ हो जाता है। वैसे अगर आप इतना भी कर लेते हैं, DAP और काली मिर्च वगैरह के दाने या दालचीनी का पाउडर डाल के कोई भी अपना प्लांट लगाते हो, तो फंगस से भी बचता है आपका प्लांट, जल्दी से रीग्रो भी करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्लांट ले आते हैं, रूट सिस्टम वहाँ पे अच्छा चल रहा होता है, लेकिन हमारे घर में हमें इतनी ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती प्लांट की, क्योंकि रूट अगर बढ़ेंगी तभी ऊपर से प्लांट हमें ज़्यादा अच्छा हरा भरा नज़र आएगा। तो इसका मतलब है रूट अच्छे से डिवेलप नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें हमने रूट को डिवेलप करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और मिट्टी को फंगस फ्री करने के लिए ही यूज़ किए हैं। तो थोड़ा सा अगर एप्सम सॉल्ट है वो डाल लेते हो तो और भी बढ़िया रहता है। तो इस तरीके से अगर आप प्लांट लगाते हो, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया है, और ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके किचन में ही हैं, काली मिर्च होगी, दालचीनी पाउडर हो गया, लौंग होगी और बड़ी काली मिर्च होगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी किचन में होती हैं। अगर ये थोड़ी सी डाल के या तो पाउडर बना के डाल लो, मैंने तो सीधी डाल दी, खैर तब भी कोई नहीं, कंपोस्ट ही बननी है इसकी और खुराक भी बननी है। तो इस तरह से आपने अपना, चाहे कोई भी इंडोर प्लांट हो, चाहे कोई भी आउटडोर हो, या कोई भी आपका सीजनल प्लांट हो, इस तरीके से आप अपना गमला तैयार करके अगर प्लांट लगाओगे, तो बिल्कुल आपका प्लांट कहीं नहीं जाएगा, ना वो मरेगा, और बहुत जल्दी से ग्रोथ पे भी आ जाएगा। तो बस मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट इसी बात की आ रही थी कि हम प्लांट ला रहे हैं और हमारा इतना अच्छा नहीं चल रहा है, आप कैसे प्लांट लगाते हो, एक बार लगा के दिखाओ। तो बस यही तरीका होता है मेरा प्लांट लगाने का, कि आप नर्सरी से अब कोई भी प्लांट लाओ तो इस तरीके से लगाओ। और मिट्टी दोस्तों, मैं जैसे बता रही थी कि मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कैसे आपने ड्राई लीव्स को कंपोस्ट बना के, या आपने घर में कंपोस्ट बना रखी है वो आप कैसे यूज़ करके गमले को तैयार कर सकते हो, एक बार वो वाला वीडियो भी देख लेना रिपोर्ट करने वाला। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नर्सरी का ओवरव्यू भी और प्लांट लगाने का तरीका भी। तो बस यकीन मानिए, इस तरीके से आप प्लांट लगाओगे तो चाहे आपके छोटे छोटे गमलों में भी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं प्लांट, अगर आप लगाते वक्त ही थोड़ी सावधानी बरत लेते हो और उसे प्रॉपर जगह पे रखते हो, तो आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलते हैं। फिर तो बस ये देखो सारे ठीक चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बस ये पर्स लेना हटाने हैं, ये गमले खाली हो जाएंगे, फिर इनमें नए नए प्लांट लगा दूंगी मैं।
तो बस उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे प्लांट लगाते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके बहुत अच्छे चलते होंगे। और जिसके लिए नई इन्फॉर्मेशन है उसके लिए तो बढ़िया काम हो गया। अब आगे से जब भी आप प्लांट लगाओ तो आपने ऐसे ही लगाने हैं। तो बस दोस्तों, इसी तरह से सुंदर सुंदर प्लांट लगाते रहें, अपने घर को हरा भरा रखें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।